सिंगर अली जफर की संभावनाओं पर पानी फिरा। बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके पाकिस्तान के एक्टर और सिंगर अली जफर मुंबई की मायानगरी में वापसी की संभावनाएं गंवा बैठे हैं। अली जाफर की पिछली फिल्म टीफा इन ट्रबल को पाकिस्तान के बाहर खास तौर पर खाड़ी देशों में मिले रिस्पांस के बाद उन्होंने अगली फिल्म के लिए एक भारतीय कंपनी के साथ टाई अप की योजना का खाका तैयार किया था। इस योजना का प्रारूप ये था कि अली फजल की अगली फिल्म दुबई में बनाई जाए, जिसमें एक सुद्दी निर्माता की भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो और इस फिल्म को दुनिया भर में रिलीज करने के बाद भारत के सैटेलाइट सेक्टर में बेचा जाए। कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले ने इस योजना के भविष्य को डिब्बा बंद कर दिया। भारत में इस वक्त पाकिस्तान के प्रति भावनाओं को देखते हुए कोई कंपनी किसी पाक कलाकार के साथ किसी भी और का संबंध नहीं रखेगी। अली फजल का बतौर नया एल्बम टी सीरीज द्वारा जारी करने की योजना को भी ताला लगा दिया है। पुलवामा के हमले के बाद अली जफर ने अपने देश के प्रधानमंत्री इमरान खान के संबोधन को समर्थन करके भारत में अपने फैंस को नाराज कर दिया। अली फजल बॉलीवुड में पहली फिल्म तेरे बिन लादेन को बॉक्स ऑफिस पर मिली कामयाबी के बाद दर्जन भर फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी अन्य फिल्मों में यशराज की किल दिल, मेरे ब्रदर की दुल्हन, चश्मे बदूर, लंदन न्यूयॉर्क पेरिस, टोटल स्यापा के नाम प्रमुख हैं। भारतीय सिनेमा घरों में उनकी अंतिम फिल्म डियर जिंदगी रही, जिसमें उनका मेहमान रोल था।